पार्किंग ब्रेक का निरीक्षण करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा होने पर आप पार्किंग ब्रेक के निरीक्षण प्रक्रिया का प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जांच सूची तैयार करते हैं। पार्किंग ब्रेक के निरीक्षण में शामिल है किसी नुकसान के लिए हाथ के ब्रेक यानी हैंड ब्रेक की जांच, दांतों की संख्या यानी नॉच काउंट नियत सीमा के अंदर है। हाइड्रोलिक जैक, 3 पोस्ट वाला एक्सेल स्टैंड और स्क्रू ड्राइवर। चरण 1, वाहन के पिछले हिस्से में निर्माता द्वारा नियत जगह पर हाइड्रोलिक जैक लगाइए। चरण 2, वाहन को काम करने की सुविधाजनक ऊंचाई तक उठाइए। चरण 3, वाहन को 3 पोस्ट वाले एक्सेल स्टैंड पर सहारा दीजिए। चरण 4, जैक सावधानी से निकालिए। चरण 5, वाहन की आगे की सीट को पूरा आगे खींचिए ताकि पिछले हिस्से में जगह बनाई जा सके। चरण 6, पार्किंग ब्रेक बटन को दबाते हुए ब्रेक लीवर को पूरा नीचे कीजिए। सेंटर कंसोल को निकालिए। सेंटर कंसोल कवर को कसने वाले क्लिप्स या स्क्रू को निकालिए। पार्किंग ब्रेक के निरीक्षण के लिए सेंटर कंसोल के कवर को खिसका कर निकालिए। चरण 7, पार्किंग ब्रेक लीवर का निरीक्षण कीजिए। पार्किंग ब्रेक का लीवर खींचिए। यदि आप खींचते समय तनाव महसूस कर रहे हैं तो पार्किंग ब्रेक काम कर रहा है। यदि आप तनाव महसूस नहीं करते हैं तो केबल टूटा या खराब है। पार्किंग ब्रेक का केबल बदलिए। अगला, नॉच काउंट के लिए पार्किंग ब्रेक जांचिए। चरण 8, जब तक पिछले पहिए लॉक न हो जाएं, पार्किंग ब्रेक के केबल को खींचिए और नॉच की संख्या गिनिए। चरण 9, नॉच काउंट नियत सीमा के अंदर एडजस्ट कीजिए। यदि नॉच काउंट की गिनती उत्पादक द्वारा नियत सीमा से ज्यादा है तो एडजस्टिंग स्क्रू को और कसिए। इस केस में 7 नॉच काउंट उचित है। चरण 10, वाहन को नीचे उतारिए। वाहन को हाइड्रोलिक जैक पर रखिए। वाहन को उचित ऊंचाई तक उठाइए। 3 पोस्ट वाले एक्सेल स्टैंड को निकालिए। हाइड्रोलिक प्रेशर रिलीज नॉब को घुमाकर वाहन को जमीन पर उतारिए। आइए पार्किंग ब्रेक के निरीक्षण को संक्षेप में देखते हैं।